विशिंग ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। आप सभी को पता है कि जब भगवान राम अयोध्या में रावण को मार के अपने 14 साल के वनवास को खत्म करके जब अयोध्या में माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी पूरी बानरी सेना के साथ जब अयोध्या में आए तो उनके स्वागत के लिए जगमगाते हुए दिए और फटाके, हालांकि तब हर्ष उल्लास का एक अलग मौका हुआ करता था, हम तो थे नहीं, बट पुराणों में जैसे पढ़े हैं कि इतने हर्षोल्लास से मनाया गया कि दिवाली की परंपरा चली आ रही है। आज पॉल्यूशन के चलते कहीं पे फटाके नहीं है, बट दियो का जलना बहुत जरूरी है, मिठाइयां बांटना। अब आते हैं दियो का जलना। दिया जलना बहुत बड़ी प्रतीक सिखाती है अगर आप इसे देखा जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी दीपक की तरह है। शरीर बाती है तो मन ज्योति है, और उस ज्योति को जो प्रकाश फैलाता है वो है हमारी आत्मा। कितनी सुंदर बात है। दोस्तों, आप अगर ध्यान दोगे तो जब दिया जलता है, दीपक जलता है, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। कोई भी जलते हुए दीपक या कैंडल को देखो आप, अगर उसके ऊपर कोई आप ग्लास रख दो, एयर टाइट कंटेनर रख दो, ग्लास रख दो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दो दिए के ऊपर या कैंडल के ऊपर, क्या होगा? तुरंत बुझ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसे भी सराउंडिंग में ऑक्सीजन चाहिए उस दीपक को जलने के लिए। हमारा जीवन भी तो एक दीपक की तरह ही जल रहा है। किसी की उम्र 70 साल, 80 साल, 100 साल, और वो बाती जलते जा रही, बट एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ये प्रकाश बुझेगा और आत्मा इस शरीर से निकलेगी। लेकिन क्या यही है, सिर्फ उसी दिन का हमें वेट करना है? दिया अगर जलता है, हम अखंड ज्योत जलाते हैं दिए में, दीपक में, अखंड ज्योत। अखंड ज्योत कैसे जलती है? आप उसके अंदर तेल डालते हो, घी डालते हो, जैसे ही थोड़ा कम होता है वापस से उसमें तेल डालते हो और वो बाती चलते रहती है, दीपक जलते रहता है, प्रज्वलित होते रहता है, चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। तो क्यों ऐसे? हमारे शरीर के अंदर भी वो ऊर्जा है, वो प्रकाश है, वो प्रज्वलित होने की क्षमता है, वो आंतरिक दिया हमेशा जलते रहना चाहिए जहां हमारी आत्मा पूरी तरह से तृप्त और स्थिर होगी। उसको कैसे किया जा सकता है? उसे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू, अपने अंदर की उस खजाने, उस आत्मा की ओर, उस अपने अंदर की एनर्जी की ओर जाया जा सकता है। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसे करना चाहिए, लेकिन सबसे पावरफुल है 7 चक्रों का। उसे अगर हम मेडिटेशन में मूलाधार से लेके सहस्रारा चक्र तक अगर हम उसे हील कर सकते हैं, यकीन मानिए, सिर्फ मेरा ही नहीं, जिन्होंने ये 7 चक्रा किया हुआ है आप उनके अनुभव से ले सकते हो कि अंदर इतनी प्रफुल्लता, इतनी एनर्जी आ जाती है, ऐसी चमक आती है, ऐसी अद्भुत शक्ति मिलती है कि लगता है कि अंदर एक प्रकाश लगातार जलते जा रहा है और पूरे शरीर को हील कर रहा है। बिना कोई कारण आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करोगे, ये शक्ति है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग उस दिए को बुझा के बैठे हुए हैं, जहां पे कि पैसा, रुपया, सब कुछ होते हुए भी मन बहुत अशांत है। तो आइए इस दीपावली में उसे प्रज्वलित करते हैं, इस अंदर की जो शक्ति है, जो दिया है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, शरीर बाती है, मन ज्योति है, और आत्मा उस ज्योति में प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाता है। तो असली दिवाली वही है कि हम अगर अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, अपने इस मन के प्रति जागरूक होते हुए अपनी आत्म शक्ति को समझें और पूरे संसार में अपने ऊर्जा को महसूस करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अगर देखोगे, किसी का अगर देहांत हो जाता है तो अगर वहां पे डेड बॉडी रहती तो उनके जस्ट बगल में दिया जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। ये क्या दर्शाता है? दीपक यही दर्शाता है कि मैं अभी भी हूँ, स्थिर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। शरीर गया है लेकिन आत्मा वहीं पे है, मैं वहीं पे हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा, अपने अंदर की शक्ति को, इस दिए को जलाते हैं और अद्भुत शक्ति को महसूस करें मेडिटेशन के साथ। आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। माता लक्ष्मी
आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून। थैंक यू।